हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैथ फर्स्ट का वीडियो बनाया जा रहा है, अध्याय 17 ही हमारा चल रहा है। और आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है फलनों के फलन का अवकल गुणांक। यानी दोस्तों इसमें कुछ ऐसा होता है ना कि इसमें कई वेरिएबल्स फॉर्म में आते हैं जिसको कुछ सेपरेटली करके और इसको सॉल्व किया जाता है। बुक में जो मेथड दिया मैं उसको बिल्कुल भी नहीं आपको समझाऊंगा, मैं एक ऐसा मेथड आपको बताऊंगा कि उसके मदद से आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। हालांकि काम वही करेगा, लेकिन वहां पे दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट मतलब सोचने लगते हैं कि क्या करें क्या करें क्या ना करें उसका ध्यान। जैसे दोस्त देखो, एक क्वेश्चन दिया गया था और इसका अवकलन करना था, ठीक। डी वाई बाई डी एस ज्ञान, इसको कई पार्ट में तोड़ करके फिर इसको सॉल्व, जैसे डी वाई बाई डी यू, डी यू बाई डी एस इस तरह से। लेकिन अगर डी यू डी यू से काट दें तो देख सकते हो डी वाई बाई डी एस ही बचेगा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर वेरिएबल देखो एफ वन बराबर वाई यू वी डब्ल्यू हो तो कई वेरिएबल्स में दिखाए गए। जैसे डी वाई बाई डी एक्स ही हमको निकालना है तो हम डी वाई बाई डी यू कर लिए, डी यू अपान डी वी कर लिए, डी वी अपान डी डब्ल्यू कर लिए और डी डब्ल्यू अपान डी एस कर लिए। लेकिन अगर सबको काट दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। तो इस तरीके से कुछ करते हैं। लेकिन अगर मान लो यार हमको ये चीज़ हमको बिल्कुल भी नहीं पता है लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कुछ इसी नियम से मान करके, तो बिल्कुल यार आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान रहे, अवकलन करते समय हमेशा प्रत्येक को वन किया जाता है। तो गाइस देख सकते हैं यही क्वेश्चन वो है, इसी क्वेश्चन को उसने डी वाई बाई ऐसा वैसा इस फॉर्म में करके बताया। लेकिन हम ये सब बिल्कुल नहीं करने वाले, हमको भाई करना क्या है, वन करना है। जो हम नियम जानते हैं बस वही करेंगे, उसी नियम से हम चार पांच क्वेश्चन बताएंगे एग्जांपल के जरिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्या पुट करना, ये करना, वो करना सब भूल जाओ। तो करना क्या दोस्तों, यही क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो समझा रहा हूं बिल्कुल आसानी से, सब कुछ समझते हुए चलेंगे। जैसे देखो यार पहला ही क्वेश्चन लिया हूं, ये दिया है वाई इज इक्वल टू ई पावर फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये चीज़ दोस्तों दिया गया है। और ये बोल रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो कि कितना आएगा। तो क्या करना है दोस्तों कि सब कुछ भूल जाओ, सब ध्यान रहे करना क्या है। जो उसने वाई मानते थे ये मानते थे तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसी कारण से मैंने ये ट्रिक्स देखो बता रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स ही लिखना। और आपको पता है ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, ध्यान देना ई पावर का ई पावर एक्स यानी फाइव एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो इनटू लगाना, ये जो यक्स होता है ना ई पावर यक्स का जब करते हो तो ई पावर यक्स आता है, तो इस यक्स का पुनः अवकलन होता है जो कि वन आता है, जो कि हम लिखते नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये पूरा यक्स नहीं है, इसका पुनः करोगे तो देख सकते हो पाँच यक्स का जब करोगे तो पाँच हो जाएंगे और छः का करोगे जीरो हो जाएंगे, ठीक इतनी चीज़ आएंगी और इस तरीके से समाप्त हो जाता है। लेकिन पाँच यक्स फिर बचेगा यक्स, फिर यक्स का जब करोगे तो वन हो जाता है, लेकिन क्या आपका आएगा फाइव ई पावर फाइव यक्स प्लस सिक्स। तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। और देख लो इन्होंने जो निकाला है क्या यही आंसर आया है, देख लो फाइव ई पावर फाइव एक्स प्लस सिक्स यही आया ना। तो कहने का मतलब यही होता है भाई तब तक अवकलन करते हैं, ये तो ई पावर का था ना, अभी बहुत सारी चीज़ आएंगी तो इसी तरीके सबका करेंगे। चलिए हम दूसरे टाइप का विभिन्न भिन्न भिन्न टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखो वाई इज इक्वल टू आ गया, साइन आ गया, यक्स स्क्वायर आ गया, ई पावर यक्स आ गया। और ये लोग हमसे भाई कह रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करके बताओ कि कितना आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई कि चलो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। चलिए डी वाई बाई डी एक्स, अब आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो पहले लिखो कॉस यक्स, ये पूरा मान रहे हो तो यक्स स्क्वायर ई पावर यक्स लिख देना। अभी दोस्तों समाप्त नहीं हुआ, इस यक्स जो होता है ना इसका पुनः होता है वो जो कि वन में हो जाता है, इसलिए नहीं लिखते। लेकिन यहाँ यक्स की जगह पर इतनी बड़ी अंक है तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम फर्स्ट और सेकेंड मान लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम फर्स्ट और सेकेंड मान लेंगे। जैसे देखो किसको फर्स्ट सेकेंड मानेंगे, किसी को मान लेते हैं, मान लो इतना हो जाएगा, फिर आपका क्या बचेगा ये चीज़ देखो, मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ डी अपान डी एक्स यक्स स्क्वायर ई पावर एक्स हमारा रह जाएगा। ये चीज मान लो मैं इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इस तरीके से। तो क्या करोगे इसी को फिर से सरल करोगे, यानी देख लो डी वाई बाई डी एक्स ये चीज ऐसे ही रहेगी, यानी कॉस यक्स स्क्वायर ई पावर यक्स, ठीक है इनटू में इसका जब करोगे पहला सेकंड, देखो पहले फलन का क्या होता है, पहला फलन का यानी पहला ई पावर यक्स हो जाएगा, देख सकते हो ई पावर यक्स, दूसरे का अवकलन यानी टू यक्स हो जाएगा प्लस दूसरा यानी यक्स इस बार पहले का अवकलन ई पावर यक्स। इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों कुछ चीज़ें कामन हो रही है, उसको कामन कर लो। जैसे देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स दोस्तों यहाँ से हमारा कामन हो रहा है, इधर देख लो
अब देखो यहाँ पे क्या चीज, डीवाई बाई डी एक्स नहीं, ई पावर एक्स कॉमन हो रहा, सॉरी यहाँ पे ई पावर एक्स मतलब यक्स कॉमन हुआ, ई पावर यक्स कॉमन हुआ और बचा क्या कॉस, इस इंटू में है सब, ध्यान देना कॉस यक्स स्क्वायर ई पावर यक्स, इतनी चीज अंदर क्या बचा है, अंदर देख सकते हो यहाँ से टू बच गया प्लस यहाँ से क्या बच गया यक्स बच गया इस तरीके से, और गाइस आपका आंसर यही हो जाता है। तो देख रहे हो ना कितने अमेजिंग तरीके से, चलिए उत्तर भी हम लोग देख रहे थे क्या यही आया है, देख सकते हो गाइस बिल्कुल वही वाला ही आया था, लेकिन इन्होंने कॉमन नहीं किया यहाँ पे, फिलहाल इन्होंने कॉमन किया है, तो देख सकते हो कुछ वही बिल्कुल सा हूबहू वही आंसर आ चुका है देख सकते हो। तो बस यही नियम का पालन कर, चलो यार इस क्वेश्चन को यही नहीं अभी हम प्रश्नावली भी बताएंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल के जरिए जो कि एग्जाम्पल छोटा छोटा दिया है आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो चलो यार इसी तरीके से एक मान लो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो मान लो एक तीसरा क्वेश्चन नंबर है, लेकिन हम एक अगला नया क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि यह देखो 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है के पावर 5 है, ये चीज दोस्तों दिया गया था। अब इसको करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा। अब लोगे मैंने मान लिया भाई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के पावर 5, आपको dy by dx निकालने है ना, तो कर दो भाई। देखो dy by dx निकालना तो क्या होगा, आपको x पावर n रूप का है तो वही लिखो, 5 लिखो, 2x प्लस 3 है के पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब एक कम हो जाता है x पावर n, लेकिन अभी अंदर वाले का पुनः होगा, जब अंदर वाले का भाई होगा ना, देखो 3 का 0 जाएगा आपको पता, लेकिन x का 1 होगा और 2 कांस्टेंट बाहर रह जाएगा यानी 2 होगा, यानी जब इसको यार पूरा सॉल्व कर दोगे तो यानी 10 हो जाएगा, 2x प्लस 3 है के पावर 4 हो जाएगा, और गाइस आंसर यही हो जाएंगे आपके, देख सकते हो। अगर आंसर मैं दिखा दूं आपके बुक से, देखो ए उत्तरमाला में ही दिया था, पहला क्वेश्चन ही हमने बता दिया कुछ इस तरीके का हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क तो बहुत सारा दूंगा लेकिन एक पहले होमवर्क ले लो, मान लो ये चौथा क्वेश्चन है, आप होमवर्क इसको ले लो, ई पावर 3x प्लस 4, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ठीक। चलो यार इसी तरीके का मैं एक नया सा क्वेश्चन और थोड़ा लार्ज टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, जिससे आपके थोड़े से और भी दिमाग में घुसे भाई। मान लो ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया था वाई इज इक्वल टू लॉग, ठीक है ना, लॉग दिया गया है यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आपको क्या निकालने हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालने हैं इज इक्वल टू कितना आएगा, ये चीज निकालनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर देखो मैं दिखाऊं आपके दोस्तों बुक में, तो देखो तमाम सारी चीज़ें की यू माना, भी माना, ए माना, वो माना, कुछ नहीं करना है, जो नियम जानते हैं हम वही लगाएंगे भाई। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यार डी वाई बाई डी एक्स लगा देना, आपको पता है लॉग एक्स का 1/x होता है, यानी 1/ में यक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज आएगी, फिर इंटू क्या होगा, इस अंदर वाले का भी होगा, यक्स का करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस अगर इसका दोस्तों करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देख लो इसका जब यहाँ से करोगे तो इसका जब करोगे भाई तो ए अंडर रूट में देखना, इसका जब करोगे तो कितना होगा, यहाँ से इसका जब करोगे तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो 1/2 हो जाएगा इस चीज़ का, और 1/2 इंटू ठीक है बिल्कुल सही, फिर इतने का पावर भाई क्या हो जाएगा, मतलब 1/ में अंडर रूट में ये चीज़ आएंगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक इतनी चीज़ हो जाएंगी, लेकिन गाइस ध्यान रहे इसका अभी पुनः होगा तो ये गाइस आ जाएगा 2x आ जाएगा, इतनी चीज़ें हो जाएंगी। अब देख सकते हो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा ठीक ना, तब तक करते हैं जब तक 1 आ जाए, फिर इसका भी होगा लेकिन वहाँ 1 आएगा वो नहीं लिखेंगे, फिर 2 से 2 कट गया दोस्त, अब लिख लो देखो जो बच रहा है 1/ यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आपके क्या बचे 1+ यक्स अपान में अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोस्तों ये बचे थे, अब देखना अभी कैसे सरल होता है, तो क्या 1/ में हो जाएगा यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, ठीक है इसको जब इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई करके यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यक्स हो जाएंगे, बटे में दोस्तों क्या हो जाएंगे यहाँ पे अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ए वाला पोर्शन इससे कट गया, देख सकते हैं दोनों सेम थे ना कट गए, तो बचा क्या लास्ट में 1/ अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोस्तों आपके यही आंसर हो गए। आइए बुक का आंसर मिलाते हैं क्या सही आया कि नहीं, ये देखो ये चीज़ आया भाई, इनका आंसर ये आया और हमारा भी आंसर, तो देखो इन्होंने यू भी पता नहीं क्या सब मान के रखे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हमने भाई सिंपल से जानते कि तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए बस, और वही पहला नियम पुराना नियम सब कुछ लगेंगे। जैसे मान लो इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और भी हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं जैसे आपको आ जाए, जैसे मान लो छठा क्वेश्चन है, इन्होंने दे दिया है टेन यक्स क्यूब का बताओ, टेन का बता रहा हूँ, साइन का भी आपको दूंगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे लेट, लेट मतलब क्या होता है माना, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
tan x क्यूब हो जाएगा। अब जब dy by dx करोगे, tan x का पता है आपको sec square x, तो sec square, ठीक है, sec square x यानी x क्यूब, ऐसे रहने दो, इसको रहने दो भाई, लेकिन x पावर 3 है, जब इसका करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएंगे, बस यहीं पे आपका रुक जाएगा आकर। तो आपका क्या हो जाएंगे, dy by dx हो जाएंगे, 3x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x क्यूब, और गाइस आपके आंसर हो जाएंगे। आइए हम आंसर की मैच करें, क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस कि आपका जो ए वाला आंसर है, ए वाली जो आंसर आई थी भाई, और ए वाला देखो आपके बुक का कौन सा, ए वाला है, देख सकते हो बिल्कुल आंसर आया ना, तो मिल चुका है। कितना इजी है यार, बिल्कुल इजी है, इससे आसान कुछ नहीं है। और हम जगह कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए होमवर्क, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन ये होमवर्क है, वो है ये साइन एक्स स्क्वायर का आपको सॉल्व करके हमें बताना है, कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक। चलो यार अगला क्वेश्चन लेते हैं 8वें क्वेश्चन के तौर पर, जो कि इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, वो ये है कि कॉस क्यूब यक्स आ गया, तो इसको अवकलन बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन समाकलन इतने आसानी से नहीं होता। आप अवकलन किसी का भी कर सकते हो आसानी से, लेकिन समाकलन इतने जल्दी नहीं होता। तो जब समाकलन वाली वीडियोस आएगी अगले सेमेस्टर में, तब देखना कितना मजा आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे y इज इक्वल टू कॉस क्यूब यक्स, ठीक। एक बार अवकलन कर लो, डी वाई बाई डी यक्स हो गया, तीन देखो यक्स पावर एन फॉर्म में है, ठीक है, यक्स पावर एन में, तो तीन नीचे आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे हो जाएंगे कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएंगे, ठीक है, बस इतनी चीज़ें हो जाएंगी, इंटू इंटू आपका यक्स का रूट वन हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा थ्री कॉस स्क्वायर यक्स, थ्री कॉस स्क्वायर यक्स। तो ये कौन सा क्वेश्चन था गाइस, आपका 5वां क्वेश्चन था, यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस यहाँ देख सकते हो कि जब इतना कर लेंगे, अभी भाई कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे कंप्लीट अभी आपका नहीं हुआ, क्योंकि देखो यार यहाँ यक्स के फॉर्म में पूरा क्या है, कॉस यक्स है, ठीक ना, यक्स के फॉर्म में पूरा क्या है, कॉस यक्स है। तो देखो यार कॉस यक्स है ना, पूरा यक्स जो है पूरा कॉस यक्स है, और क्यूब तो यन है, ठीक, लेकिन कॉस यक्स का जब पुनः करोगे तो क्या हो जाता है, माइनस साइन यक्स हो जाता है, अब कंप्लीट कहलाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी यक्स है, तो माइनस थ्री साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो गाइस आपके आंसर यही हो जाते हैं। इसी तरीके से यार, चलो यार अगला एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है सेक स्क्वायर एक्स, आपको इसके डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने हैं। एक और क्वेश्चन चलिए हम अगला बता देते हैं, मान लो 7वां एक क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि साइन है, ध्यान देना साइन है यक्स के पावर यन, और यहाँ पे पावर यन है, उसका मतलब बहुत अंतर होता है, तो इसको हम बता देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं मान लूँगा, माना वाई इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर यन, जब डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के पावर यन इंटू यक्स पावर यन का जब पुनः होगा तो क्या हो जाएगा, यन यक्स के पावर यन माइनस वन, यानी सिंपल फॉर्म में अगर लिख दें डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू जाएगा यन यक्स पावर यन माइनस वन इंटू कॉस यक्स के पावर यन, और गाइस आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। तो देख रहे हो ना कितने अमेजिंग तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर देखो यार इसी तरीके से कुछ अगर पार्टिसिपेट वाले क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे करते हैं, मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लो एक क्वेश्चन 8वां हम लोग के लिए है, लेकिन बुक में 17 नंबर पर दिया है। तो देखो लॉग यक्स के पावर यक्स दे दिया, लॉग यक्स पावर यक्स, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो इसके लिए गाइस आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपको मान लेना पड़ेगा वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर एक्स हो जाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स निकालो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जब निकालोगे लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपान यक्स, यानी वन अपान यक्स के पावर यक्स हो जाएगा, इंटू यक्स पावर यक्स का पुनः होगा तो वे हो जाएगा यक्स इंटू यक्स के पावर यक्स माइनस वन हो जाएंगे, यहाँ देख सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी देखिए पूरा सही नहीं हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स करोगे, यहाँ देख सकते हो वन अपान एक्स के पावर एक्स है, तो इसको रहने दो, ठीक, यक्स पावर यक्स, लेकिन यक्स पावर यहाँ पे वन है ना, तो देखो बेस सेम है तो यहाँ जुड़ जाएंगे, यानी यक्स के पावर क्या हो जाएंगे, यहाँ देख सकते हो यक्स पावर यक्स माइनस वन प्लस वन हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे भाई। तो इधर देख सकते हो यक्स पावर यक्स अपान में यक्स पावर यक्स, और ये भाई देखो कट जाएंगे बिल्कुल, तो आपका वन मिलेगा, तो ये देख सकते हो। और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 17 नंबर, ठीक है। और एक बात का दोस्तों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हमने किया वन आ गया नियम पूर्वक, जैसा हमने बताया था वैसा भाई किया गया बिल्कुल। अगर मैं दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करूं तो क्या आएगा, देखिए दूसरा मेथड ये है कि देखो लॉग यक्स के पावर यक्स दिया गया है, यक्स पावर यक्स दिया गया है, अब देखिए लॉग, ठीक है, लॉग यम के पावर यन वाला फार्मूला जब यूज करते हैं, यन लॉग यम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हो जाएगा यक्स लॉग यक्स हो जाएगा, और इसको मैं मान लूँ फर्स्ट, इसको मान लूँ सेकेंड, तब हल करूँ तो क्या आएगा, देखिएगा यक्स का यक्स
वैसे रहेगा log x का 1 अपान x प्लस log x को ऐसे रहने दो, x करोगे तो 1, ये कट गया भाई, तो 1 प्लस log x हो जाएंगे। तो कई मेथड होते हैं, किसी भी से कर सकते हो, देख सकते हो, वही चीज़ मैंने दो टाइप से भी कर दी। तो इस तरीके से ये नहीं कि उत्तर आपका गलत कहलाएंगे, ठीक। उसी तरीके से चलिए हम और क्वेश्चन क्या आपकी बुक से ही सीधा रूबरू कराते हैं जो कि आपको सेल्फ करने होंगे। एक क्वेश्चन देख लो, इतने प्रैक्टिस कर लेना, दो चार, हालांकि कई तो बता ही दिए, एक दो पर प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं जिस पे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चनों पर। जैसे मान लो ये क्वेश्चन, तो हाफ पहले साल होगा अंडर रूट वाला, फिर लॉग एक्स साल होगा मतलब साइन का कॉस में, फिर साइन एक्स साइन लॉग एक्स साल होगा, फिर लॉग एक्स साल होगा, फिर एक्स का वन हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अब देख सकते हो इसका भी, उसी तरीके से कॉस को आगे फेंक दो फिर हल करो, ठीक। कुछ इस तरीके से भाग विधि का इस्तेमाल करके इसका भी कर लेना, ठीक ना। यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह भी कर सकते हो। फिर उसके बाद गाइस ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बस क्या करना है कि वही आपको जो तब तक करना है जब तक कि जीरो इस तरह से ना हो जाए सॉल्व यन, फिर उसके बाद लास्ट में जब आपका बचेगा ये रिजल्ट हो जाएगा, जब ये नीचे बचेगा वन माइनस से इसको पक्षांतर कर लेना, वाई इधर रहेगा माइनस में, आपका रिजल्ट आ जाएगा, और वाई जो आएगा वो यही वैल्यू आएगी तभी यहाँ पे वाई होगा, ठीक। इसका ध्यान रहे, तो इस तरीके से कुछ कर लेना। ये भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर इसको करना चाहते हो तो इस नियम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि यू वी डब्ल्यू सब अलग अलग इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने संकेत भी दे दिया कि डी यू बाई डी एक्स निकालना है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक ना। हालांकि इस फार्मूले का यूज़ जब आओगे आंशिक आकलन करोगे तो वहाँ पे सेपरेटली करना पड़ता है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे, वहाँ पे एक नया संकेत यूज़ किया जाता है, वो देखो कुछ इस तरीके का गाइस आपका होता है, कुछ इस तरीके का, इसको डेबा बोलते हैं, डेबा, ठीक ना, डेबा 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 ऐसे ऐसे कुछ करके बोलते हैं भाई, डेल भी बोलते हैं, डेबा भी बोलते हैं, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक ना। तो इन सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आंसर उसके ए रहे, देख लो, जिसको आंसर देखना है तो प्रैक्टिस कर लेना 10-5 क्वेश्चन लगा करके। और अगली टॉपिक हमारी दोस्तों होगी लघुगणक की अवकलन, यानी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेगा, नया हो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से वीडियोस के लिए, मोर वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।